وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامين اكرام चेहरे नबूवत पर मुस्कुराहट का एक और तोहफा मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ सई बुखारी की रिवायत है किताब रदीस नंबर छः हज़ार पाँच सौ इकहत्तर और सई मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रही ने भी जिक्र किया है हदीस नंबर एक सौ छियासी रावी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सला वसलम ने एक मरतबा अर्शात फरमाया और कहा कि मैं जानता हूँ जन्नत में सबसे आखिरी में दाखिल होने वाला शख्स कौन है और जहन्नम से सबसे आखिरी में निकाले जाने वाला शख्स कौन है फरमाया वसल्लम ने कि जहन्नम से सबसे आखिरी निकलने वाला शख्स अपने घुटने के बल निकलेगा झुलसा हुआ होगा उसे जहन्नम से निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ वो जन्नत के करीब जाएगा ऐसा लगेगा कि जन्नत भरी हुई है जन्नत में कोई जगह नहीं वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह, जन्नत भरी हुई है अल्लाह कहेगा लौटो जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ फिर वो दोबारा जाएगा करीब जाने पर उसे ऐसा लगेगा कि गोया कि जन्नत भरी हुई है जन्नत में कोई गुंजाइश नहीं है फिर कहेगा अल्लाह जन्नत भरी हुई लग रही है अल्लाह रज़त फरमाएंगे क्या तुम राज़ी हो इस बात से कि तुम्हें दुनिया और उसके दुगना दुनिया के दुगना तुम्हें जन्नत में जगह दी जाएगी एक रिवायत में है वाशरत और मिसा कि दुनिया के दस गुना बराबर तुम्हें जन्नत में जगा दी जाएगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो वो कहेगा तू मलिक है तू मालिक है मुख्तार कुल है हर चीज़ का और तुम उससे मजाक कर रहा है और तुम उससे मजाक कर रहा है अल्लाह रसूल ने ये बात सुनी और हंसने लगे आप आप, आप हंसने लगे अल्लाह कहेंगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं मालिक हूँ मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ और अल्लाह उसे इस दुनिया के दस गुना बराबर जन्नत में जगा देंगे अकबर इस हदीस से कई फायदे मिलते हैं सबसे पहला फ़ायदा जिसने कलम लाइल ला का इक़रार किया हो सदक़ दिल से यकीन किया हो और अमल किया हो कितने भी उसके गुनाह हों आखिर इन हो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा जहनम से निकाला जाएगा नंबर दो जन्नत में अल्लाहत कितनी जगह देंगे इसका तस्वर मैं और आप नहीं कर सकते हम दुनिया वाले सौ गज़ दो गज़ यही हमारा तस्वर है चार एकड़ दस एकड़ एक पहाड़ कितना हम तसूर कर सकते हैं वो मालिकल मुल्क है वो मुख्तार कुल है जब वो देने पर आता है एक अदना सब से आखिरी जन्नत में जाने वाले इंसान को इस दुनिया के बराबर दस गुना बराबर वो जन्नत में जगा देगा ये दुनिया ये दुनिया के दस गुना बराबर अल्लाह हरबत आपको अता करेगा और आखिरी जाने वाले का ये ये नसीबा है तो और लोगों का क्या होगा क्यों ना हम जन्नत के लिए सौदा करें क्यों ना हम अल्लाह की इबादत करें अल्लाह की तरफ लौट कराएँ और जन्नत के हसूल की हम तैयारी करें नंबर तीन इस हदीस से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे के इस अंदाज़ तखातब को देख कर और बंदे की इस मायूसी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये कहना अरे अल्लाह तो मलिक है मुझसे मज़ाक तो नहीं कर रहा इस बात को सुनकर आप सोसलम मुस्कुरा दिए आप की मुस्कराहट ने हमें बहुत प्यारा सबक दिया अल्लाह करे कि मुझे और आपको रसोलसम की रफ़ाकत जन्नत में नसीब हो। आमीन याबलमीन खुश रहिए मुस्कराते रहिए सदा खुश रहिए सदा मुस्कराते रहिए अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे आबाद रखे मुझे और आपको जन्नत में साथ रखे वसलम वरहि वर्कू